हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। आज हम पढ़ेंगे शिप्स। फर्स्ट क्लास में मैथ का फर्स्ट चैप्टर है शिप्स। तो शिप्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग बच्चों को बिग एंड स्मॉल का रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे, उनको बताएंगे कि विच इज़ बिग एंड विच इज़ स्मॉल। तो इस तरह से हम उनको टू पिक्चर्स देंगे, वन विल बी बिग एंड वन विल बी स्मॉल। तो प्लांट्स की या ट्रीज की या कोई भी शेप की हम उनको पिक्चर देंगे, एक स्मॉल एंड एक बिग। देन बच्चों को रिकॉग्नाइज करना होगा कि विच इज़ बिग एंड विच इज़ स्मॉल। तो बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी हमें मैथ में ही क्लियर कराना होता है, क्योंकि आगे चल के उनको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो यही ये चीज़ें मैथ में ही आएंगी। ठीक है, तो बिग और स्मॉल के बाद हम बच्चों को बताएंगे बिगर। ओके, तो बच्चों को पता है कि बड़ा जो है वो बिग है एंड स्मॉल जो है वो छोटा है, एंड बिगर विच इज़ द बिगर, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है। तो उनको हम 3 या 4 कोई भी पिक्चर देंगे, उसमें उनको रिकॉग्नाइज करना होगा कि विच इज़ बिग, विच इज़ स्मॉल एंड विच इज़ बिगर। ओके, तो ये हमें मैथ में हम क्यों पढ़ाते हैं ये शेप्स, क्योंकि हमें बच्चों को आगे चल के शेप्स पढ़ाना है। तो जब हम उनको शेप्स पढ़ाएंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि बिग, स्मॉल और बिगर का रिकॉग्नाइजेशन उनको आना चाहिए। ओके, तो पहले हम उनको ये कॉन्सेप्ट हम उनको क्लियर कराएंगे बिग, स्मॉल एंड बिगर का। ओके, देन हम उनको बताएंगे शेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ शेप्स। वैसे तो देयर आर मैनी मैनी टाइप्स ऑफ शेप्स, बट इन फर्स्ट क्लास वी हैव टू टीच देम कुछ शेप्स। ओके, ओनली सम शेप्स जो उनके लिए थोड़े ईजी भी हों और वो आराम से सीख जाए उनको। ओके, तो नंबर 1 आता है वेरी वेरी सिंपल शेप विच इज़ सर्कल। ओके, तो सर्कल शेप सबसे पहले बताएंगे बच्चों को हम, जो कि बहुत ईजी होता है, एक सर्कल राउंड। ओके, देन हम उनको बताएंगे स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप होता है जिसकी चारों साइड सेम साइज की। ओके, चारों आमने सामने वाली भी और इधर उधर वाली भी। ठीक है, तो उनकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे की चारों सेम होती है। ओके, देन आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइज सेम साइज की होंगी और मतलब दो साइड सेम साइज की होंगी जो अपोजिट होंगी, और दो साइड सेम साइज की होंगी जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ओके, और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम साइज की होती हैं। ठीक है, देन आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल कुछ इस टाइप का होता है जिसमें 3 एंगल हो, तीनों साइड उसमें एंगल हो। ओके, तो ये हो गया ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है डायमंड शेप, DIAMOND। अच्छा, बच्चों को इनकी स्पेलिंग भी हमें साथ साथ में याद करानी है इन सब शेप्स की। ओके, अभी तक वो सारे फोनिक्स वगैरह सीख चुके हैं तो अब उनको स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमें इनकी स्पेलिंग भी उनको साथ साथ में याद करानी है। ठीक है, तो ये डायमंड शेप कुछ इस टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्टार शेप, STAR, स्टार। ओके, तो स्टार शेप तो बहुत इजी होगा, बच्चे बहुत इजीली उसको जान पाएंगे, क्योंकि स्टार शेप जो है स्टार्स की शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेमी सर्कल, SEMI, सेमी। अब है सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ओके, तो सेमी सर्कल का मीन्स होगा कि सर्कल का हाफ पीस। ओके, तो 2 सेमी सर्कल मिलके बनाते हैं 1 फुल सर्कल। ओके, तो ये सर्कल का हाफ पीस है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ओवल शेप। ओवल शेप होता है एग के शेप का। ओके, OVAL, ओवल शेप। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा।
नेक्स्ट वन इज पेंटागन, PEN पेन TATA पेंटागन GON गॉन। ओके, तो पेंटा मीन्स होता है फाइव, तो जिस शेप की साइड्स फाइव साइड्स का जो शेप होता है उसको बोलते हैं पेंटागन। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वन इज हेक्सागन, HEXA हेक्सागन GON। ओके, तो हेक्सागन, हेक्सा का मीन्स होता है सिक्स, तो जो शेप विच हैव सिक्स साइड्स वो कहलाता है हेक्सागन। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ शेप्स। ओके, तो हम शेप्स के एग्जांपल देखेंगे कि किस शेप का एग्जांपल क्या हो सकता है या कौन सा शेप किस टाइप का होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल शेप को हम सबसे पहले देखेंगे। तो सर्कल शेप बहुत इजी शेप होता है, ऑलमोस्ट सभी क्लॉक जो हैं वो सर्कल शेप की होती हैं, और ये बच्चों को हम लोग डेली बेसिस पे इसको हम कराएंगे, उनको बताएंगे कि दिस इज़ द सर्कल शेप, तो उनको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल शेप का एग्जांपल होगा क्लॉक। ओके, नेक्स्ट वन आता है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप जो है वो होता है, जैसे पहले भी बताया था कि उसकी चारों साइड्स जो है वो सेम साइज की होती है, तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कैरम या फिर लूडो, इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप है। देन आता है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में दो अपोजिट साइड्स जो है वो सेम साइज़ की होती हैं, तो मोस्टली जो है कोई फ़ोटो फ्रेम है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, या हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी मोस्टली रेक्टेंगल शेप के ही होते हैं। ओके, देन ओवल शेप। ओवल शेप का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है एग। एग ओवल शेप का होता है। देन ट्राइंगल। ट्राइंगल में मोस्टली जो है माउंटेन्स होते हैं, ये हिल्स वगैरह होती हैं, ये ट्राइंगल शेप की होती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टार। स्टार जो है वो स्टार शेप का होता है, तो बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट वन इज डायमंड शेप। डायमंड शेप जो है डायमंड शेप की होती है काइट। काइट का जो शेप है वो डायमंड शेप का होता है। ओके, अब आता है पेंटागन। पेंटागन मींस फाइव, पेंटा मींस फाइव, तो जिस भी शेप की फाइव साइड्स होंगी वो होगा पेंटागन। नेक्स्ट वन इज हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सा मीन्स सिक्स, तो जिस भी शेप की सिक्स साइड्स होंगी वो होगा हेक्सागन। ओके, तो अब हम बताएंगे कि इनको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों से हमें ड्रॉ भी कराना है, उनको प्रैक्टिस करानी है इन शेप्स को ड्रॉ कराने की। ओके, पहले उनको रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे, देन उनको हम ड्रॉ कराना सिखाएंगे। तो सर्कल इज लाइक दिस। देन स्क्वायर आता है। स्क्वायर में सभी साइड्स सेम साइज की करनी है हमें। ओके, देन आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने वाली साइड हैं, वो सेम साइज की होंगी, और इधर उधर वाली साइड सेम साइज की होगी। ओके, देन ओवल शेप। एग शेप किस तरह से बनता है? कुछ इस तरह से, पूरा सर्कल नहीं होता है, वो ओवल शेप का होता है। ओके, देन आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल इस टाइप से होगा। अब इसमें ये नहीं है कि ट्राइंगल को हम इसी तरह से लिखें। ओके, इसका एंगल कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या इनकी साइड कुछ इस टाइप से भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों को कभी कभी लगता है कि ट्राइंगल सिर्फ इसी फर्स्ट जो पिक्चर है वो उसी टाइप से होगा, बट इसके शेप किसी भी तरह से हो सकता है, बट इसमें
थ्री एंगल्स होने चाहिए, तो ये ट्राइंगल होगा। ओके, देन स्टार शेप, फिर आता है डायमंड शेप मीन्स काइट शेप, इस तरह से कुछ बनाएंगे। पेंटागन मतलब फाइव साइड शेप, ये भी दो तीन तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह से, या इसका जो पीक वाली एंगल है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, या ये इस साइड से भी बन सकता है। ठीक है, मतलब कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये सिर्फ इसी साइड से बनेगा, ये किसी भी साइड से बन सकता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या अप या डाउन। ओके, इसी तरह से हेक्सागन है, सिक्स साइड वाला शेप जो है हेक्सागन, वो भी हम दो तीन साइड से बना सकते हैं। ओके, राइट साइड में भी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं, और कुछ इस तरह सेंटर में भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स हैं, इनके अलावा और भी शेप होते हैं, बट अभी फर्स्ट क्लास में हम बस बच्चों को सिर्फ इस तरह के ही शेप बताएंगे। ओके, अब इन शेप्स के अलावा कुछ होते हैं 3D शेप्स। ठीक है, थोड़ा सा हमें उनको भी बच्चों को बताना है कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है और क्या करना है। ठीक है, ये तीन चार तरह के शेप्स होते हैं जो 3D शेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्फीयर शेप, जैसे कि हमारी बॉल होती है या हम लोगों की अर्थ है, ये स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कोन शेप। कोन शेप भी बहुत इजी शेप होती है, जो कोन की तरह होती है, जैसे आइसक्रीम वाली कोन वाली शेप, वो कोन शेप होगी। ओके, देन आती है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप ये भी बहुत इजी है, जैसे सिलेंडर होते हैं, या कोई कैंडल होती है, या फिर कोई सेल होता है, वो वाली शेप सिलेंड्रिकल शेप होगी। ओके, इसका एग्जांपल होगा कैंडल या सिलेंडर। नेक्स्ट वन आता है जी क्यूब्स शेप। क्यूब शेप जो हमारा डाइस होता है, हमारी लूडो का जो डाइस है, वो शेप होता है क्यूब शेप। ओके, तो ये डाइस हो गया इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये थे कुछ शेप्स, आप बच्चों को डेली बेसिस पे उसके एग्जांपल देते रहें, जो भी घर में जो भी चीज़ें हैं उनको बताते रहें, तो वो उनको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी शेप्स में आता है मैथ में ही बताएंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो रोलिंग करते हैं अगर हम उनको पुश करें, और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो रोलिंग एंड स्लाइडिंग डिपेंड करती है उनके शेप पर। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट राउंड शेप के होंगे वो हमेशा रोलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे बॉल हुई हमारी, या फिर व्हील हुए, या कोन हुआ, कोन नहीं, हाँ ये हुआ, तो अगर हम इसको पुश करेंगे तो इनका जो मूवमेंट होगा वो रोलिंग मूवमेंट होगा, ये रोल रोल करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि स्लाइडिंग कौन करेंगे, तो स्लाइडिंग करते हैं जिन भी ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो फ्लैट शेप होगी, वो ऑब्जेक्ट रोलिंग करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे, रोलिंग नहीं स्लाइडिंग करेंगे। ओके, जब हम उनको पुश करेंगे या उनका हम मूवमेंट कराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्लाइडिंग करेंगे। ठीक है, रोलिंग कौन से ऑब्जेक्ट करते हैं, जो राउंड शेप होते हैं लाइक बॉल। ठीक है, तो इनके स्लाइडिंग वाले के ऑप्शन होंगे जैसे डाइस, डाइस को अगर हम मूव करें थोड़ा सा पुश करें तो वो स्लाइड करेगा, ना कि रोल। ठीक है, या शार्पनर हुआ, या इरेजर हुआ, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस फ्लैट हो। ओके, तो ये सब रोलिंग, स्लाइडिंग और बिग स्मॉल, ये सब भी मैथ में ही आएगा। ओके, तो जब हम उनको शेप पढ़ाएंगे बच्चों को, तभी हम उनको ये सब भी पढ़ाएंगे। ओके, अब बिग और स्मॉल का क्या यूज़ है इसमें, इसका ये यूज़ है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को या KG के बच्चों को इस तरह से कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं, जैसे उनको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि फिल द बिगर शेप विथ कल। ओके, तो उनको ये क्वेश्चन हुआ, उनका उनको करने के लिए टास्क हुआ कि आप बिगर पिक्चर को हमें शेप करना है, पहले
उनको हम पिक्चर देंगे, लाइक हम अभी ट्री की पिक्चर बना देते हैं, जैसे एक मीडियम साइज़ की पिक्चर हम बना देंगे इस तरह से, इस तरह से करके बना देंगे। एक स्मॉल पिक्चर बनाएंगे हम थोड़ी छोटी, और एक जो है वो बिगर पिक्चर बना देंगे। ओके, तो अब बच्चों को इसमें से रिकॉग्नाइज करना है कि विच इज़ द बिगर वन। ओके, जब उन्हें पता होगा कि बिगर मीन्स क्या है, स्मॉल और मीडियम क्या है, तभी वो कर पाएंगे। अब उनको पता है कि दिस इज़ द बिगर पिक्चर, तो अब वो उसको कलर फिल कर देंगे इसमें। ओके, तो हम अलग अलग तरह की पिक्चर, अलग अलग शेप्स की पिक्चर बच्चों को देंगे, ताकि वो आराम से कर लें और थोड़ा फन वे में कर लें, क्योंकि कलरिंग बच्चों को बहुत पसंद होती है, वो उसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक स्मॉलर पिक्चर का हम उनको टास्क देंगे कि फिल द स्मॉलर पिक्चर विद कलर। ओके, तो इसमें भी हम कोई भी शेप उनको देंगे, जैसे हम बना लेते हैं एप्पल बना लेते हैं इस टाइम। ठीक है, एक थोड़ा मीडियम साइज़ का एप्पल हम बनाएंगे इस तरह से, और एक थोड़ा स्मॉल साइज़ का, और एक थोड़ा बिगर साइज़ का। ओके, तो अब यहाँ पर है कि हमें फिल करना है स्मॉलर पिक्चर को। ठीक है, एंड दिस इज़ द स्मॉलर पिक्चर। ओके, तो इस तरह से वो बच्चों इसको फिल कर देंगे। हम और भी एग्जांपल देंगे, और अट्रैक्टिव भी इसको बना सकते हैं, हम पिक्चर्स बना सकते हैं, ताकि वो आराम से बच्चे कर लें। ठीक है, तो ये थे कुछ शेप्स, आई होप आपको समझ आया होगा, बच्चों को इसकी बार बार प्रैक्टिस कराएं।